विकास हो रहा है ना स्कूल कॉलेज बन रहे हैं लखन सिंह जी, ना विकास हो रहा है ना स्कूल कॉलेज बन रहे हैं, बस हिंदू मुसलमान हो रहा है। देखिए भाई साहब, ये बात करते हैं, अभी हमारे कांग्रेसी मित्र भी खड़े हैं यहाँ, इनको पहली बात तो इनका ऑब्जेक्शन क्या होता है। मैं सब हिंदू समाज की तरफ से आया हूँ, इन लोगों ने कह दिया कि सब बीजेपी के दो क्यों आ गए, इनकी मानसिकता ही हिंदू की बीजेपी के साथ जोड़ने की है। मैं अभी कांग्रेसी मित्रों से यह पूछना चाहता हूँ, क्या आप हिंदू नहीं हो? कोई भी बात मुसलमानों की बात आती है तो आप बड़ी जोर शोर से मुद्दा उठाते हो। मैं बात करता हूँ हिंदुत्व की, मैं बात करता हूँ हिंदुत्व की। विकास अपनी जगह, पार्टियां मैं सबको अपनी मानता हूँ, हिंदुओं की पार्टियां हैं, मगर जो सनातन धर्म की और हिंदुओं की बात करेगा, मैं हम हिंदू सब उसका पक्ष रखेंगे। क्या ये बात मोती सिंह जी को समझ में नहीं आती? जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। देखिए आइए जवाब ले लें, ये बात मैंने कह दी, जवाब ले लेते हैं मोती सिंह जी से। हाँ मोती सिंह, अभी हमारे पहलवान जी ने बात रखा, उनकी बात तो सुनिए, उनकी बात सुनी जाता हूँ। क्या हिंदू कोई अलग से कोई मारबूट बना है कि भाई ये हिंदू है? हिंदू सारे हिंदू हैं, हिंदू का अलग से आपको पट्टा मिल गया कि भाई हम हिंदू के रक्षक हैं? भाई हिंदू 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 की बात करते ना, सुनिए मेरी बात, मेरी मोती जी सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, आप हिंदू हिंदू नहीं जाओ, आप सब की बात करिए, अलग से क्यों बात कर रहे हो? बहुजन समाज पार्टी कही जा रही है मन से, क्या हिंदुओं का ठेका ले रखा है? ये बात मन से कही जा रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं का ठेका ले रखा है? ठेकेदारी कर रहे हो। अब तक ये देखा गया है कि जब भी हमारे हिंदुओं की रैली होती है तो उधर साइड से पत्थर फेंके गए आज तक, और कल ईद निकल के गई, हमने सभी हिंदू मुसलमान भाइयों का साथ दिया है और दिल से रैली निकलवाई है उनकी, आज तक हमने कभी पहले से कभी किसी को छेड़ा नहीं है। ये कांग्रेस तो अपने आप ही समझती है, कभी भी जय श्री राम नहीं बोल सकती है, अपने आप समझती है कि हम हिंदुत्व नहीं है। बोल के राज महाराज की जय। क्या कह रहे हैं ये लोग? ये सब यहाँ पे सभी को मजदूरी मिल रही है, भरतपुर का चौमुखी विकास हो रहा है, और जैसा कि ये हिंदू का विरोध करते हैं, यूँ कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ठेका ले रखा है, अरे राम मंदिर सबका है, इनका भी है, अगर ये हिंदू है तो हम कब ना। राम मंदिर का विरोध क्यों? अगर ये हिंदू के पक्ष में है, राम मंदिर का विरोध क्यों? राम पर प्रश्न चिन्ह क्यों? मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर ये हमारे साथ हैं तो काल्पनिक क्यों बताते हैं राम को? राम है तो हिंदू है, राम का नाम नहीं लेते, राम को काल्पनिक बताते हैं। दिगंबर खटाना जी, जवाब लूंगा इस पर जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो राम मंदिर में पैसा लगाया, ये बीजेपी वालों के अब्बा के घर से पैसा लगाया गया, वो तो हमारे ही घर से पैसा लगाया, हिंदू के घर से पैसा लगाया। इन्होंने संविधान में संशोधन करके बनवाया था कि राम मंदिर जैसे। अच्छा, यहाँ अब्बा शब्द का इस्तेमाल आपने जानबूझकर किया है? नहीं, बात सुनो, ये तो अभी हमारा लोकल इलेक्शन, मानो एमएलए एमपी कभी सुनते नहीं है, ये कांग्रेस और बीजेपी जितने नेता करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ सभी से, हमारे देश में जो आज धर्म के नाम पर जो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, उसका कब तक अंत होगा? देखिए, ये लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान करते हैं, मुझे बताइए कश्मीरी। एक 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 आवाज उधर से उठाई गई कि ये मंदिर निर्माण के लिए पैसे कहाँ से आए, उन्होंने बात कही, आप जवाब देना। जनता ने दिए, हिंदुओं ने दिए, और सारा पैसा लग रहा है वहाँ पर। उन्होंने ऐसी बात, वो अब्बा किसके, अब्बा के घर से पैसे आए क्यों? इन्होंने दिए पैसा, ये हिंदू धर्म रक्षक महाराजा सूरजमल की नगरी है, उस समय भी हिंदू धर्म रक्षक महाराज सूर्य में लग रही है। ये सारा पैसा जनता का, जनता की भावना, जनता का पैसा है, और आपको जनता को इस तरीके से कहने का कोई हक नहीं। इन लोगों की बात, ये बोलते हैं कि हिंदू हिंदू हिंदू, जब दलित महिला, दलित क्या हिंदू नहीं है? तो वो एक सम्माननीय पद पर जो राष्ट्रपति महिला बैठी है, उसका सम्मान करना नहीं जानते वैसे महिला, और इनका सम्मान करने की बात है। आपके भाजपा में भी महिला खड़ी है, आप इस चीज को नहीं समझते? अब तक हम बीजेपी की थे,